और अब खबरें जानेंगे विस्तार से। सीएम योगी से मिले हैं नए डीजीपी विजय कुमार, और विजय कुमार ने अपना डीजीपी का कार्यवाहक का पद संभाल लिया है। इसके साथ साथ कार्यभार संभालने के बाद विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आरोपियों को सजा देना प्राथमिकता, ये कहा विजय कुमार ने, और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जारी रहेगी। सुगम यातायात व्यवस्था बनाई जाएगी। अपराध में हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। पिछले 6 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, जो कि बड़ी उपलब्धि है। पुलिस को तकनीकी तौर पर मजबूत किया जाएगा। एंटी रोमियो स्क्वाड सफलतापूर्वक आगे भी चलता रहेगा। और 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी विजय कुमार डीजी विजिलेंस डीजी सीबीसीआईडी के साथ कार्यवाहक डीजीपी बने हैं। विजय कुमार, एक बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर सूबे की, तो देखिए पुलिस को तकनीकी तौर पर मजबूत करेंगे, ये विजय कुमार ने कहा है। एंटी रोमियो स्क्वाड सफलतापूर्वक चलेगा। यूपी पुलिस को मिला नया मुखिया, आईपीएस विजय कुमार को नए कार्यवाहक डीजीपी का चार्ज। 1 साल से पुलिस महकमे को नहीं मिला परमानेंट डीजीपी। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी को एक बार फिर नया कार्यवाहक डीजीपी मिल गया। प्रदेश को लंबे समय से परमानेंट डीजीपी का इंतजार है, लेकिन इस बार भी परमानेंट डीजीपी की जगह कार्यवाहक डीजीपी ने ही कार्यभार संभाला। कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। डीजी सीबीसीआईडी के पद पर तैनात हैं। जनवरी 2024 तक इनका कार्यकाल है। 11 मई 2002 से डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर कार्यरत हैं। अब एक नजर डालते हैं इससे पहले कब कब कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए। यूपी के आखिरी स्थायी डीजीपी मुकुल गोयल को 30 जून 2021 को जिम्मा सौंपा गया। शासन ने 11 मई 2022 को मुकुल गोयल को पद से हटाया, जिसके बाद 12 मई 2022 को देवेंद्र सिंह चौहान को कार्यवाहक डीजीपी का जिम्मा सौंपा गया। डीएस चौहान 11 महीने इस पद पर रहे और 31 मार्च 2023 को रिटायर हो गए। उसके बाद आरके विश्वकर्मा ने पद संभाला। अब तेज तरार आईपीएस अफसर विजय कुमार के हाथों में कमान है। कार्यभार संभालने के बाद नए कार्यवाहक डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार का आभार जताया। अपराध मुक्त, अन्याय मुक्त एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में एक सुदृढ़ कानून व्यवस्था एवं जन संवाद से पुलिस एवं प्रशासन के प्रति जनता में एक विश्वास कायम हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की एवं विश्व के सर्वोत्तम पुलिस बल उत्तर प्रदेश पुलिस का मुखिया बनाए जाने पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिस महानिदेशक के रूप में मेरी निम्न प्राथमिकताएं रहेंगी। डीजीपी विजय कुमार ने सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना अपनी प्राथमिकता बताया। प्रदेश में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने तथा विद्वेषकारी तत्वों पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाने तथा कम्युनिटी पुलिसिंग की संकल्पना को सरोकार करने हेतु शासन के निर्देश पर फुट पेट्रोलिंग की कार्रवाई की जा रही। सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि नए कार्यवाहक डीजीपी का क्या एक्शन होता है, कैसे उपदेश की चुनौतियों पर खरे उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।